आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को पटना पहुंचे। यहां आने के बाद एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा केशव विद्या मंदिर के लिए प्रस्थान किया। जानकारी के अनुसार यहां पहले से निर्धारित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 5 व 6 दिसंबर को पटना में होने वाली क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में वे शामिल होंगे। इस बैठक में सर कार्यवाह भैयाजी जोशी सहित अन्य भी मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर वे 3 दिनों तक बिहार में रह सकते हैं। संघ सूत्रों के अनुसार पहले इस तरह की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में भीड़ अधिक न हो इसे देखते हुए देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में यह बैठक करने का निर्णय लिया गया है। पटना में होने वाली कार्यकारी मंडल की बैठक उत्तर व दक्षिण बिहार के साथ ही झारखंड प्रांत के संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक के लिए संघ के क्षेत्रीय व प्रांत स्तरीय नेताओं को आमंत्रण भेजा जा चुका है। बैठक को लेकर संघ की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बैठक की तैयारी की जा रही है। इस दौरान संघ प्रमुख की भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात होना तय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।